खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और झूठ बोला गया उसमें। हर चीज की एक हद होती है। जो एक शख्स पर बैठा हुआ है और जो यहाँ पर सुन रहे हाउस में, बस उनको तकलीफ हो रही है कि चौधरी शाह हुसैन के बेटे प्यार न जमा रहे, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इन्होंने सारा लिया है पीटीआई का। एक आपका मेल भी रहा हुआ यहाँ पर कि जो हरकतें कर रहे हैं, दो और मुख्तलिफ पार्टीज है उनके लिए वोट मांग रहे हैं। वो तो आजाद खड़ा हुआ था, उसको निशान मिल गया था रीच का, तो रीच को काबू करने की तो मैंने 2008 में ट्रेनिंग ले ली थी। जहाँ बात है गुजरात डिवीजन की, बड़ी बात होती है जिनकी जो जमीनें हैं गुजरात डिवीजन की, खुद ही सस्ते दामों लोगों को प्रेशर डाल के ले ली गई, तो सस्ते जमीना लेके सरकार को महंगो दामो देनी थी। एक आपका मेल भी रहा हुआ यहाँ पर जो दो बार एमपी भी रहा हुआ है, उसको चाहिए कि जो हरकतें कर रहे हैं, अब तो दो दिन रह गए, कर ले जितनी करनी है। मुसलह के दो और मुख्तलिफ पार्टीज है उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। वो तो आजाद खड़ा हुआ था, उसको निशान मिल गया था रीच का, तो रीच को काबू करने की तो मैंने 2008 में ट्रेनिंग ले ली थी। आप मेरी 2008 की तकरीरें देखें सोशल मीडिया में। अब इसके बारे में और क्या बोलना, आपको पता ही है किसे यहाँ पर है कि क्या किया। सालिम हुसैन साहब, मेरा भी दिल था कि हमारा सियासी खानदान कट्ठा चले, मगर मुझे अब मजबूरन कहना पड़ रहा है, इसलिए कि आज भी मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और झूठ बोला गया उसमें। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो शख्स फर्स्ट पेज में बैठा हुआ है उसी ने कहा 2.5 साल पहले चुनाव साहब को के सियासत अपनी अपनी, तो हर चीज की एक हद होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो एक शख्स पर बैठा हुआ है और जो यहाँ पर सुन रही हाउस में मुनासिब नहीं है कि मैं उसके बारे में क्या करूं, सारा झूठ बोला जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, बस उनको तकलीफ हो रही है कि चौधरी शाह हुसैन के बेटे जो है वो कहीं हलकों में पैर न जमा रहे, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इन्होंने सारा लिया है पीटीआई का। जो कुछ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में हुआ है, जबकि चेयरमैन जो भी था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दाएं बाएं वाले जो है यहाँ पर पटवारियों से 2-2 लाख रुपए लेते रहे हर महीने, अपना मुनासिब नहीं है मैं किसी का ब्याज दूं नाम दूं, तो हमने आज तक किसी पर इंतकामी कार्रवाई नहीं। जब एक टाइम पता लगा कि जी डंडे के जोर पर कहा जा रहा है कि जी फलाने को वोट दो, फलाने को वोट दो, मैंने उसी टाइम फोन किया। मैंने कहा किसी को फोन नहीं करना, जिसका दिल है वोट देगा, जिसका दिल है नहीं देगा। जहाँ बात है गुजरात डिवीजन की, बड़ी बात होती है जी गुजरात डिवीजन आ रहा था। कहाँ आ रहा था गुजरात डिवीजन? यहाँ से 40 मिनट दूर, और उसकी जो जमीनें हैं गुजरात डिवीजन की, खुद ही सस्ते दामों लोगों को प्रेशर डाल के ले ली गई कि जी यह जमीन दे दो इस रेट से, अगर तुम इस रेट से जमीन ना देती तो तुम सारी मुनफरत नहीं मिलेगी, तो सस्ती जमीन लेके सरकार को महंगो दामों देनी सी। आखिर में फिर नुकसान क्यों होना सी? नुकसान तो गवर्नमेंट नहीं होना सी। तो कोई तरीका ना हो जो चलता रहा मामला है, तो पता है पिछले 5-6 साल सारे जो स्टैंड है नजायज कब्जा ग्रुपा थे वो हमेशा रहेगा। तो मैं हमेशा अपनी टीम आई दस है जो भी कोई थाने का या कचहरी का काम है, अगर साड़ी अपनी पार्टी गलत है तो साथ नहीं देना, साथ सिर्फ उतना देना है जो इंसान मेरिट से हो। गुजरात शहर के उत्ते हमेशा गलत एमपी मुसलत किए गए। मैंने आख्या गया चौधरी साहब शाबे साहब गुजरात शहर तो ना खड़ो, तुसी किसी और जगह तो आ जाओ, तुहानू इना मेहनत नहीं करनी पेगी। मैं आख्या नहीं, मैं 2004 तो उत्थे आ जा रहा, मेनू उत्थे सारे ग्रुपा का पता है, जिनी यूनियन कौंसल ने हर महला मैं कवर किया है, बाजारा में भी गया, बड़ी मेहनत की है, तो मेनू पता सी कि मैं आने इन शाला गुजरात सिटी तो आप ही खड़ोना है। मैं हिम्मत ही हारी, हालांकि लोगों ने आख्या 2008 में इतो वक्त जाते सन के जी शाफे साहब 2008 में लोग जाते सन के खिलाओ, उन्होंने बड़े हरबे तैयार किए ने, दूसरी पार्टियां ने उन्होंने अपने ब्रीफ केस भी खोल ले ने, तू फोन आ रहे ने फलाने नु इन्ने दा पैकेट दे दियो, फलाने नु ऐ पैकेट दे दियो, फलाने नु ऐ पैसे फड़ा दियो, फलाने दी जेब विच ऐ पैसे पा। ते मैं समझदा हर चीज पैसा नहीं हुंदी, इसे तू बल्कि कोई चीज नहीं है, ते तुसी साबित करने ट्रैक्टर नु ज्यादा ज्यादा वोट पवाने ने, ते फैसल के ते बाकी यूसीज विच इन्ने ट्रैक्टर नु वोट तुसी पवाने ने कि गुजरात शहर दी तारीख विच इन्ना वोट ट्रैक्टर नु ना पिया होवे। सालिम हुसैन साहब छोटे भाई एमएलए दा इलेक्शन प्रोटेस्ट कर रहे ने NA64, ते मैं शाफे हुसैन तुहाडा उम्मीदवार हां सिटी टू PP31, ते दोनों दा साडा जेड़ा इंतखाबी निशान है और ट्रैक्टर है, साडी पार्टी दा निशान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, असीं तो उत्थे खलोते हां, ते फिर भी
कुछ ऐसे बंदे ने मुनासिब नहीं उन्हों का नाम लेना उन्हों का नाम लेके मैनू कुछ जरूरत पी है उन्होंने मशहूर करना वो पोस्टा तो ला रहे ने कि लोटे मेरा तो ख्याल है मतलब यही होता है कि लोटा तो वो होता है ना जरा कोई पार्टी छड़ के चला जाए असी तो शुक्र अल्लाह दा अपनी जमात में खड़ोते हैं हालांकि बड़ी हाईजैक करने की कोशिश की थी बड़े गलत तरीके ना अगर दो ढाई साल मिल जाते हैं गुजरात का सिवरेज इंटरनेशनल हब ते बनावांगे इंशाल्लाह जो कूड़े के मसाइल ने मौका मिलिया तो नवी मशीन लेके आवांगे कूड़े वास्ते गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट नु बहाल करांगे ट्रैफिक के मसाइल ने वो ट्रैफिक मॉडल नु बदलने की जरूरत है नौकरियां बदलने की जरूरत है रेडी के मसाइल ने अगर मौका मिल जाए इंशाल्लाह वो कुछ एरियाज नु असीं मखसूस कर देंगे ते उन्होंने डिक्लेयर कर देंगे रेडी बाजार जिस तरह सरगोधा रोड से रेडी होंगे ने रेडिया ब्रिज के थले जा सकती है ते उन्होंने डिक्लेयर कर देंगे रेडी बाजार बड़ी ट्रैफिक लाइट नहीं काम कर रही है इंशाल्लाह ताला मौका मिलेगा कुछ साल मिल गए दो साल तीन साल दुआ करो चार साल मिल जाए कोशिश पूरी होगी कि गुजरात डिवीजन के दफातर जड़े ने शहर के नाल बनन इंशाल्लाह ताला साड़ी कोशिश है कि यूथ वास्ते इतने इंटरनेशनल लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आईटी का कॉलेज बनाया जाए शॉर्ट कोर्सेज भी कराए जान मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर दे ते यूथ नु पता लगे कार बैग किस तरह पैसे बनाए जाते हैं तो यूथ नु बाहर भेजन वास्ते भी बड़ी मौके मौजूद ने मगर इतने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के यूथ लीगल तरीके बाहर जाए ते पैसे कमा के इतने भेजे ते पाकिस्तान की इकॉनमी नु फायदा होगा। Thank you.